हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि यहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त करके ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो यहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखेंगे जम्मू कश्मीर जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। और 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिनियम बना। तो राष्ट्रपति जो थे वो 9 अगस्त 2019 को ये स्पेस सिग्नेचर करके उसके बाद ये अधिनियम बन गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत के दो नए केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया था। तो कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। अभी वर्तमान में कौन है? जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है, ये वर्तमान में मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। अब पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल तो राधा कृष्ण माथुर बने थे, और लद्दाख के वर्तमान में भी उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, क्योंकि ये केंद्रशासित प्रदेश है, यहाँ उपराज्यपाल होंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन देखेंगे, यहाँ से एग्जाम में पूछेंगे। तो ग्रीष्मकालीन पूछे जम्मू कश्मीर के तो श्रीनगर हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर राजधानी है, वहीं शीतकालीन की बात किया जाए तो ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर के शीतकालीन राजधानी जम्मू हो जाएगा और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर हो जाएगा, तो ये दोनों का आपको याद रखना है, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह है, लद्दाख की राजधानी है लेह, इसको आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, विधानसभा के साथ। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पहले विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष का था लेकिन अब ये 5 वर्ष का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, विधानसभा के 114 सीटें होंगी, जिनमें से 24 जो सीट है वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगे और 90 सीटें पर चुनाव होंगे, इसमें 90 जो सीट है इस पर चुनाव होंगे और टोटल लेकिन पूछे जाए तो 114 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर के लोकसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की बात किया जाए तो 5 सीटें हैं, वो विधानसभा का था जो 114 सीटें थे, यहाँ लोकसभा के 5 सीटें हैं और राज्यसभा की बात किया जाए तो 4 सीटें हैं, वहीं लद्दाख की बात किया जाए तो 1 सीटें हैं लोकसभा के, केवल इसमें लद्दाख में लोकसभा के सीटें 1 सीट है, और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा के और राज्यसभा के 4 सीटें होंगी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं, जम्मू कश्मीर को टोटल कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। वर्तमान में लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में 2 ही जिले हैं और जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं और लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह, ये 2 जिला है लद्दाख में और लद्दाख की राजधानी है लेह। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, जिस समय राज्य था उसकी स्थापना हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को। 370 कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, स्थापना हुआ तो 1947 में और 2 साल के बाद 370 लागू हुआ था। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंकर, 370 का मसौदा तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंकर ने। जम्मू कश्मीर में धारा 35 का ए लागू किया गया था, तो ये 14 मई 1954 को ये भी लागू हुआ था
ये दोनों अभी हटा दिए गए 370 और 35 का ये लागू हुआ था 35 का ये 14 मई 1954 को। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की कुल संख्या है 10। कितने हैं? 10 है इसमें विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है टोटल 10 राज्य को। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, इसको आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था 31 अक्टूबर 2019 को, इसको आपको याद रखना। 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अनुच्छेद 370 संबंधित है तो ये संविधान के भाग 21 से, अनुच्छेद जो 370 है किससे संबंधित है तो संविधान के भाग 21 से, तो इसको आप याद रखेंगे। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल होता था 6 वर्ष के, पहले विधानसभा के कार्यकाल होता 6 वर्ष के लेकिन अभी 5 वर्ष के है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे तो सत्यपाल मलिक थे। जिस समय 370 हटा था उस समय राज्यपाल होते थे उसमें थे सत्यपाल मलिक, अभी उपराज्यपाल होते हैं तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।